हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की मांग को लेकर देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला और ईडी कार्यालय का घेराव किया। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। उसी के बाद उत्तराखंड समेत कई राज्यों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि बार बार अडानी महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की गई, जिसे केंद्र सरकार नजरअंदाज करती रही है। ये घोटाला पहली बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा उजागर किया गया था और हालिया खुलासों ने वित्तीय बाजार नियामक संस्था सेबी और उसकी चेयरपर्सन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस पर चुप है, इसलिए कांग्रेस को विरोध के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने श्रेष्ठ उत्तराखंड के संवाददाता रजनीश दीक्षित से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई को लेकर घेराव किया है, देशव्यापी हड़ताल चल रही है। देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस ने जुलूस निकालकर ईडी का कार्यालय घेराव कर रहे हैं। हमारे साथ करण महारा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, जिस हिसाब से आज बंद का आह्वान आप लोगों ने किया है, देखिए जिस तरीके से सरकार लगातार सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और उसका इस्तेमाल राजनीतिक टूल के रूप में कर रही है, इसके विरोध में यह है। और जो अभी एक खुलासा हुआ है, उस खुलासे में जिस तरीके सीबी के चेयरपर्सन और अडानी के संबंध सामने आए हैं और राहुल गांधी ने उसको लेकर एक साल पहले अवेयर किया था, लोगों का अरबों खरबों रुपया डूब गया स्टॉक मार्केट में, उसके जानने का अधिकार भारतवंशियों को है। बेरोजगार और महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराधों के खिलाफ आज ये ईडी के दफ्तर का घेराव है। अच्छा सर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी लगातार कांग्रेस मुखर होती रही। देखिए, हम लोग लगातार हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग कर रहे हैं। हम जेपीसी से उसकी जांच चाहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि देश के पैसे से ही देश की संपत्तियां एक व्यक्ति खरीद रहा है जिसमें सरकार संलिप्त है। हमारे दो की सरकार चल रही है जिसको कांग्रेस चलने नहीं देगी। करण महारा ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सदन में आए प्रस्ताव को लेकर भी धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। महारा ने कहा कि एक और राज्य में आपदा पीड़ितों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ऐसे में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत को टिहरी झील में क्रूज बोट और याट बोट संचालन के लिए जारी किए गए टेंडर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। सर, कल विधानसभा में पटल में रखा गया कि विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, एक और आप कहते हैं आपदा आई हुई है। देखिए, इस समय भीषण आपदा से प्रदेश जूझ रहा है, लोगों को आपदा में राहत नहीं मिली है, बाढ़ पीड़ितों को एक साल से राहत नहीं मिली, हरिद्वार के लक्सर के क्षेत्र के लोगों को, वहीं उधम सिंह नगर के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है, ऐसे में तनख्वाह वेतन भत्ते बढ़ाए जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सर, ये प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके बेटे को एक टेंडर मिलने जा रहा है जिसमें क्रूज उड़ाएंगे टिहरी वाला। देखिए, केवल सतपाल महाराज नहीं, एक उस समिति का सदस्य भी है, उसका बेटा भी है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मूल्यों को उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है, कोई नैतिकता नहीं, कोई दबाव नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री और ऐसे मेंबर्स को।
ठीक है, तो देख रहे थे आप, ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, जो बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है मुखर है ईडी और सीबीआई को लेकर। इसके अलावा जो विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने की बात है, भत्ते बढ़ाए जाने की मांग है, उस पर भी आड़े हाथों इन्होंने राज्य सरकार को लिया है। उसके अलावा जो सतपाल महाराज के बेटे को जो टेंडर वाला मामला है, उस पर भी इन्होंने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। याद दिला दें कि हाल ही में टिहरी झील में क्रूज और यार्ड बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश ने भी इस प्रक्रिया में आवेदन किया था। हालांकि विवाद इस बात को लेकर उठ खड़ा हुआ है कि जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर पलायन हो रहा है, वहां स्थानीय लोगों को वरीयता देने के बजाय देहरादून से एक मंत्री पुत्र को किस आधार पर वरीयता दी गई। देहरादून से रजनीश दीक्षित की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।